हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी एंड वेलकम टू प्रोडक्ट रिव्यू सीरीज़, जहाँ मैं शेयर करती हूँ एक प्रोडक्ट की रिव्यू विद इन 2 to 3 minutes। तो ये एक शॉर्ट टू द पॉइंट रिव्यू है। ये वीडियो देखकर आप सबको काफ़ी हेल्प होगी एंड जानकारी भी मिलेगी कि आपको इस प्रोडक्ट को परचेज करना है कि नहीं, ये आपके स्किन टाइप के लिए सूटेबल है कि नहीं एंड विल इट वर्क और नॉट। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ वाउ स्किन साइंस विटामिन सी फेस सीरम का रिव्यू। इस सीरम का मैंने ऑलरेडी एक डिटेल रिव्यू वीडियो शेयर किया है, बट आप चाहते हैं तो उस वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी शॉर्ट मिनी रिव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरम। ये मेरा सेकेंड या थर्ड बॉटल है आई गेस, एंड ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। बाय द वे, द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सीरम इज दिस इज टोटली ऑयल फ्री। मुझे ऑयल बेस्ड सीरम्स उतना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, मुझे क्रीमी बेस्ड एंड ऑयल फ्री सीरम्स ज्यादा पसंद आता है। दिस इज कंप्लीटली ऑयल फ्री। वाउ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स में कोई हार्श एंड हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि पैराबेन, सिलिकॉन्स, मिनरल ऑयल नहीं है, विच इज ग्रेट। अब बात करते हैं इसकी इफेक्ट के बारे में, रिजल्ट के बारे में। ये जो सीरम है ना, ये पर्टिकुलरली टारगेट करता है आपके स्किन के डार्क स्पॉट्स के ऊपर, पिगमेंटेशन के ऊपर, एंड स्किन को काफ़ी स्मूथ बनाता है, विच इज़ वाई आई स्टार्टेड यूजिंग दिस सीरम। बट आई हेट द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस सीरम। इसका जो फ्रेग्रेंस है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड एक मेडिसिनल काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस है, विच आई पर्सनली डोंट लाइक। बट सीरम जैसे ही स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है, इसका फ्रेग्रेंस चला जाता है। सो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे इसका फ्रेग्रेंस पसंद नहीं आता, फिर भी मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसका फ्रेग्रेंस जो है वो कुछ देर बाद चला जाता है। दैट्स वाई इस सीरम को आपको छोटे छोटे डॉट्स में अपनी स्किन पर अप्लाई करना है, एंड ज़्यादा मसाज मत कीजिए, बिकॉज दिस इज नॉट ऑयल बेस्ड। ये एकदम कम्प्लीटली अब्जॉर्ब हो जाता है आपके स्किन में एंड रिक्वायर्स इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट, और फिर उसे ना प्रेस करना है अपने स्किन पर। अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ अपने डार्क स्पॉट्स पर इसे अप्लाई कर सकते हैं, देन कोई मॉइस्चराइजर या अपना रेगुलर सीरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने उस तरीके से भी इसे इस्तेमाल किया है 1-2 महीने तक। ये डार्क स्पॉट्स को काफ़ी अच्छी तरीके से फेड आउट करता है, विच इज़ वाई आई स्टार्टेड यूजिंग दिस। एंड मैं सिर्फ डार्क स्पॉट्स पर्सपेक्टिव से ही अपना जो रिव्यू है, अपना जो एक्सपीरियंस है, वो मैं शेयर कर पाऊंगी, बिकॉज मैंने अदर कोई चेंजेस नोटिस नहीं किया है अदर देन फेडिंग आउट माई डार्क स्पॉट्स। सो अगर आपके भी डार्क स्पॉट्स या पिंपल मार्क्स है, देन यू कैन ट्राई दिस सीरम। इसका जो प्राइस है वो है 899 rupees फॉर 30 ml, बिकॉज ये जो विटामिन सी सीरम है, दिस इज विटामिन सी प्लस, जो उनका न्यूली लॉन्च्ड एक सीरम है। एक और सीरम है जो कि सिर्फ विटामिन सी सीरम है, वो भी अच्छा है। मैंने उसका एक बॉटल ट्राई किया था, बट इसका मैंने 2 bottles ऑलरेडी खत्म कर चुकी हूँ मैं। सो आई कैन स्पीक मोर अबाउट दिस सीरम। इसका जो परचेजिंग लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। सो अगर आपके डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, then you can go for this, but agar aapki sensitive ya acne prone skin hai, then I don't think this will be perfect for you. So that's all for today's video. Video pasand aaye, video ko like kare, share kare, and don't forget to subscribe to my channel. Aaj ke liye itna hi. Stay blessed, stay happy, and bye.